हम लोग आए हैं पुरखौटी मुक्तांगन घूमने के लिए। अभी चलते हैं अंदर और मैं आपको भी दिखाती हूँ कि वहाँ क्या क्या है। पुरखौटी मुक्तांगन के जस्ट सामने में ही पार्किंग एरिया है। यहाँ पे सबके कार्स वगैरह पार्क हैं, बसेस वगैरह भी यहीं पे ही पार्क होते हैं। हम लोगों ने भी अपनी कार पार्क कर दी है। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। वहाँ पे कुछ कुछ दुकानें हैं जहाँ से आप खाने पीने का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे भी चाट गुपचुप वगैरह लगा हुआ है, आइसक्रीम है। या तो आप घर से बना के ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं। चावल में नाम या फिर लकड़ी में नाम वाला कीरिंग आप सिर्फ यहाँ 50 रुपये में बनवा सकते हैं। वैसे तो 150-150 रुपये में बनता है, कहीं बाहर से बनवाओ तो यहाँ पे 50 रुपये है बस। यहाँ पर टिकट का रेट और वीडियो शूटिंग का भी रेट लिखा हुआ है, आप पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सोमवार को बंद रहता है, तो कोई भी सोमवार को नहीं आना यहाँ पर। मेरा भाई टिकट ले रहा था, हम लोग भारी गर्मी में यहाँ खड़े हुए हैं। गर्मी में आके कैसा लग रहा है मम्मी? कुछ नहीं लग रहा, बढ़िया लग रहा है। घूमने आए हैं तो क्या गर्मी और क्या ठंडी। हाँ अच्छा तो लग रहा है, वैसे मेरे को भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। खड़े हो जाओ। पुरखौटी मुक्तांगन का गेट बहुत ही ज्यादा प्यारा है। जैसे ही हम अंदर घुसते हैं उसके सामने में ही टिकट चेक करने वाला काउंटर है और इस साइड पंडाल वगैरह लगा हुआ है। जस्ट सामने में स्टैचू वगैरह बने हुए हैं, भालू का शिकार करने वाले स्टैचू। एक के हाथ में तीर कमान है, एक के हाथ में आग है और यहाँ पर भालू का शिकार कर रहे हैं। इस टाइप का स्टैचू बना हुआ है। कुछ बताना चाहोगे क्या पुरखौटी मुक्तांगन के बारे में? ये पूरा यहाँ पे बस्तर आर्ट बना हुआ है। बस्तर में जैसे आदिवासी लोग बाजा बजाते हैं और सींग वाले टोपी लगाते हैं, तो उसी का यहाँ पे व्यू दिया गया है पूरा। जैसे पापा ने बताया कि ये यहाँ पे बस्तर आर्ट पूरा बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के आर्ट को और कल्चर को यहाँ पे पूरे गार्डन में दर्शाया गया है। वैसे हम लोग जा नहीं पाते हैं बस्तर वगैरह, सब कोई जा नहीं सकते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के जो सारे कल्चर को दर्शाया गया है। अब और अंदर चलकर देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे खम्भे बने हुए हैं, सब में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्ट हुए हैं, एकदम फाइन वर्क किया गया है। यहाँ पे भी छत्तीसगढ़ के आर्ट और कल्चर को दर्शाया गया है इन खम्भों में। बहुत ही प्यारा दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। अब मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है, चलो देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी माँ और बच्चे की मूर्ति बनी हुई है, एकदम ही सुंदर लग रहा है देखने में। और आगे चलकर देखते हैं, यहाँ पे छीनी हथौड़ा से काम करते हुए एक आदमी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पे मिट्टी से बर्तन बनाने वाली मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। अभी हम लोग जा रहे हैं गार्डन के अंदर और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं गार्डन के अंदर। बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ग्रीनरी है, बहुत ही अच्छा गार्डन है। बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, शेड्स है जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ, और बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी थोड़ी सी धूप है बट शाम को यहाँ आएंगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। यहाँ पर गेड़ी नृत्य का दृश्य दिखाई दे रहा होगा आपको, जो कि हरेली में किया जाता है। बम्बू को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जोड़ा जाता है, फिर उसके ऊपर चढ़ के डांस परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर हर जगह ऐसे सेट्स बने हुए हैं ताकि आप आराम से अंदर में बैठ सके। और यहाँ पर आर्टिफिशियल पॉन्ड भी है जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और आजू बाजू ग्रीनरी होने के कारण इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आता है।
यहाँ पे सुआ डांस का दृश्य दिखाई दे रहा होगा आपको। इस डांस में औरतें बांस की टोकनी में सुआ रख के डांस करती हैं और गाना भी गाती है। ये डांस दिवाली के कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर राउत नाचा को दर्शाया गया है। ये डांस छत्तीसगढ़ में यादवों द्वारा किया जाता है। देव उठनी एकादशी के समय ये डांस परफॉर्म किया जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पर बैगा नृत्य को दर्शाया गया है जो कि बैगा जनजातियों द्वारा किया जाता है। वहाँ पे कुछ मुखौटे वगैरह दिख रहे हैं, वहाँ चल कर देखते हैं। कैसे टेढ़ा सा पेड़ है यहाँ पर। यहाँ पे जनजाति के मुकुटों को दर्शाया गया है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मुकुट यहाँ पर बने हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ी लोक संगीत को दर्शाया गया है। पूरा मेटल से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है ये वाला एरिया। और आप यहाँ पे सेल्फी भी ले सकते हैं, सेल्फी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेस है ये। मम्मी पापा लोग वहाँ पे पहुँच गए हैं अपनी जगह पे जहाँ पे थे, वहाँ से थोड़ा दूर मेरा ही वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी से चलती हूँ, मेरे को दिख चुके हैं। यहाँ पे गाड़ी की सुविधा भी है, अगर आप चल नहीं सकते हैं, आपको चलने में प्रॉब्लम है, तो आप गाड़ी से भी अंदर गार्डन में घूम सकते हैं। वाह, तो हम लोग इंजॉय कैसे करेंगे मम्मी। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, तो मैं इस व्लॉग को आज यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।